सुजानपुर नगर परिषद में अध्यक्ष के खिलाफ पार्षदों का आक्रोश चरम पर पहुंच गया है और नगर परिषद अध्यक्ष के खिलाफ बाकी पार्षदों ने मोर्चा खोलते हुए आज उपायुक्त हमीरपुर डॉक्टर ऋचा वर्मा से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंप कर अध्यक्ष के मनमाने रवैये के खिलाफ शिकायत की है तथा कहा है कि नगर परिषद सुजानपुर के अध्यक्ष के चुनाव करवाए जाए। हमीरपुर उपायुक्त कार्यालय पहुंचे नगर परिषद सुजानपुर के पार्षद अशोक मेहरा, ज्योति रेणु, दीप कुमार और नगर परिषद के उपाध्यक्ष कमलेश कुमारी ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंप कर साफ कर दिया है कि नगर परिषद सुजानपुर के लिए नया अध्यक्ष चुना जाएगा। नगर परिषद सुजानपुर के पार्षद अशोक मेहरा ने बताया कि उपायुक्त से मिलकर वर्तमान अध्यक्ष रमन भटनागर के मनमाने रवैये को लेकर ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने बताया कि अध्यक्ष ने 2.5 सालों में अपने मनमाने ढंग से काम करवाए हैं और पार्षदों की एक भी नहीं सुनी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि अध्यक्ष ने ग्रामीण इलाकों में विकास को करवाने में भी अड़ंगे किए हैं। हमारा अविश्वास प्रस्ताव था, हम अपने प्रधान जो रमन भटनागर हैं उनकी कार्य प्रणाली से खुश नहीं थे और दुखी मन से हमने नो कॉन्फिडेंस दिया है उनको। हमें डेवलपमेंट नहीं थी, कुछ नहीं था, अपनी मनमानी, किसी से पूछना नहीं, जो करना अपनी मर्जी से करना। लगभग 2.5 साल का कार्यकाल बीत चुका तो कोई भी कार्य नहीं हुआ सुजानपुर में, ऐसा लगता है? बहुत ही काम तो हुए हैं पर जो इंटीरियर इलाके में काम होने चाहिए वो हो गया, उनकी मर्जी से हुए, हमारी मर्जी से कोई काम नहीं। मेरे वार्ड में जैसे 6 नंबर वार्ड है, सिर्फ 2 लाख का काम हुआ है 2.5 सालों में। बोला हमने लिखा भी है उसमें, हम खुश नहीं। और 5 मेंबर हम थे, जैसे दीप कुमार हैं, अशोक कुमार हैं, ज्योति है, अपना रेणु है, कमलेश कुमारी है, प्रधान है हमारे पास, उन्होंने दे दिया। अब अध्यक्ष चुनेंगे नहीं अपना। गौरतलब है कि सुजानपुर नगर परिषद में कुल 9 सदस्य हैं और चुनावों के बाद बीजेपी के अध्यक्ष बनने के लिए पार्षदों के बीच समझौता हुआ था, जिसमें 2.5 साल के लिए रमन भटनागर और 2.5 साल के बाद अशोक मेहरा को अध्यक्ष पद देने की बात तय हुई थी। लेकिन अब समय आने पर रमन भटनागर ने पल्ला झाड़ लिया है और जिस पर अब बाकी पार्षदों ने भी मोर्चा खोलते हुए नया अध्यक्ष चुनने के लिए अल्टीमेटम दिया है।